अंदर हम लोगों ने प्योर जेन्युइन लेदर इसके अंदर यूज किया है। आपको हार्ड प्लास्टिक मिलता है। सबसे पहले बताना चाहूंगी इसके अंदर हम लोगों ने एक्स्ट्रा कुशनिंग ऐड कर दी है। इसकी फिनिशिंग भी देख सकते हैं किस तरीके की फिनिशिंग है। देख सकते हैं इसके गियर कंसोल पे स्पार्कल पैनो ब्लैक। अब आगे भी आप कलर कॉम्बिनेशन चूज करना चाहते हो या जो भी वैरायटी आप चूज करना चाहते हो सारे ऑप्शंस यहां पे आपको कार्स टैलेंट पे मिल जाएंगे। गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल कार स्टाइलिंग। गाइज आज आप एक और वीडियो देखने वाले हैं कार स्टाइलिंग की। आज की वीडियो हमारी रहने वाली है महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन पर। सबसे खास बात इस स्कॉर्पियो एन की ये है कि ये है इस गाड़ी का Z4 वेरिएंट, जैसा कि आप देखिए। एंड इसके ऊपर हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें इंस्टॉल करने वाले हैं एक्सेसरीज में भी। प्लस ये इस बार की YouTube की पहली वीडियो होगी जिसके अंदर हम लोग इसका कंप्लीट इंटीरियर भी चेंज करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एक्सटीरियर से कि एक्सटीरियर में हम लोग क्या क्या चेंज करने वाले हैं। जैसे कि अभी आप यहाँ देखिए, यहाँ पर हम लोग फॉग लाइट्स इंस्टॉल करने वाले हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इसके अलॉयस भी चेंज करेंगे, साथ ही में बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं, साइड स्टेपर भी हम लोग इसके अंदर इंस्टॉल करने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ फुल स्टॉक की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास फुल ऑन स्टॉक इसका अवेलेबल है। वेलकम बैक। जिस वीडियो का आपको इंतज़ार था आज वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आई नो कि मेरे बहुत सारे यूट्यूब फैमिली वेट कर रही थी कि आखिर वो वीडियो मैं कब यूट्यूब पे अपलोड करूँगी। तो गाइज आपका वेट अब हो गया है ओवर। तो अब बात करते हैं इस कार के बारे में। इसका बिफोर लुक आप ऑलरेडी देख चुके हो कि इस कार के अंदर हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें हम लोग इस कार के अंदर इंस्टॉल करने वाले हैं। फिर से बता देती हूँ, ये है इस गाड़ी का Z4 वेरिएंट। और स्पेशल बात इस गाड़ी की ये है कि आज हम लोगों ने इसके इंटीरियर के लुक को चेंज किया हुआ है बहुत एक डिफरेंट कलर के लिए। आई नो बहुत सारे कस्टमर्स, बहुत सारे मेरे YouTube फैमिली एक्साइटेड होगी इसके पूरे इंटीरियर को देखने के लिए कि आखिर हम लोगों ने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें की हैं। सो गाइज वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वर्क पसंद आए तो प्लीज़ लाइक का बटन बिल्कुल प्रेस किए बिना मत रहना और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दीजिएगा। कोई सजेशन हो कलर ऑप्शंस के रिलेटेड कुछ भी हो तो आप वो हमें बता सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो की, आखिर हम लोगों ने इस कार के अंदर क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल की हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्सटीरियर से। जो आज के मतलब विंटर सीजन में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है वो होती है इसकी फॉग लाइट। सबसे पहले बात करूंगी इस कार के अंदर हम लोगों ने फॉग लाइट्स इंस्टॉल की है वो आप देख सकते हैं। बेस्ट पार्ट ये है कि जितना भी हम लोगों ने इसके अंदर एक्सेसरीज इंस्टॉल किए वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स हमारे महिंद्रा के जेन्युइन प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसके अंदर हम लोगों ने इसकी हेडलाइट्स को भी चेंज किया हुआ है। अभी मैं जो नॉर्मल बेसिक हेडलाइट आती है Z4 वेरिएंट में वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जो इस वेरिएंट के साथ हेडलाइट आई थी वो कुछ इस तरीके की थी, आप देख सकते हो इसके अंदर कोई प्रोजेक्टर्स नहीं दिए गए हैं। तो अभी हम लोगों ने टॉप मॉडल की हेडलाइट इसके अंदर इंस्टॉल कर दी है जिसके अंदर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं। कंप्लीट लुक आप इसका देख सकते हो। अभी हम इसका थ्रो भी चेक करेंगे कि जो टॉप मॉडल की हेडलाइट है वो फॉगलाइट्स हेडलाइट्स के बाद अब जो एक इस कार को और भी ज़्यादा एक्टिव बनाती है वो है इसकी फ्रंट ग्रिल। और यस आपको भी कुछ डिफरेंस देखने को मिलने वाला है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसकी जो ग्रिल है वो आती थी अपनी मैट फिनिश के अंदर। पहले तो इसके अंदर हम लोगों ने अपना पियानो फिनिश का लुक दे दिया है वो आप देख सकते हैं। इससे कंप्लीट लुक इसकी जो फ्रंट ग्रिल की है वो चेंज हो चुकी है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, इसके अंदर हम लोगों ने साइड स्टेपर भी अपना इंस्टॉल करके दिया है वो आप देख सकते हैं जो इसके टॉप वेरिएंट के अंदर आते हैं, तो उसका लुक भी देख सकते हो। और ये भी हमारा कम्प्लीटली महिंद्रा का जेन्युइन ही प्रोडक्ट है। तो ये तो थी कुछ एसेसरीज के बारे में बात कि एसेसरीज में क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल की हैं। अब चलते हैं इसके मेन पार्ट की तरफ, वो है इसका इंटीरियर। होपफुली आप लोगों को कलर जो हम लोगों ने इस बार इसके अंदर यूज़ किया है वो आपको पसंद आने वाला है। सो गाइज प्लीज़ वैल्यूएबल कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वो कैसा लगा। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लो ना। मतलब मैं इतनी रोज़ इतनी मेहनत करती हूँ, वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, एक हर बार मेहनत करती हूँ। तो गाइज प्लीज़ जस्ट शो यूर लव एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। We'll be right back.
कार का कलर कॉम्बिनेशन जो कि हम लोगों ने इस कार को और भी ज्यादा प्रीमियम लुक देने के लिए ये कलर हम लोगों ने चूज किया हुआ है वो आप देख सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या स्पेशल चीजें की हैं। सबसे पहले बात करते हैं गाइज इसके डैशबोर्ड के बारे में। मेन ऑफ अट्रैक्शन किसी भी कार का डैशबोर्ड का बहुत मेन पार्ट होता है। डैशबोर्ड से एक लुक एक कार की इनहेंस होती है। सबसे पहले बात करेंगे कि हम लोगों ने इसके डैशबोर्ड पे लेदर ऐप अपना इंस्टॉल किया हुआ है विद कस्टमाइज स्टिचिंग के साथ, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस बार इसके अंदर हम लोगों ने जो लेदर यूज़ किया ये हम लोगों ने प्योर जेन्युइन लेदर यूज़ किया हुआ है, वो भी हमारी डिफरेंट क्वालिटीज़ भी उसके अंदर बहुत सारी आपको मिल जाएंगी वो यहाँ पे आप देख सकते हो। थ्रेडवर्क का लुक आप देख सकते हो कितना अमेजिंग लग रहा है आपको। और अगर मैं बात करूँ ना गाइस, इसके डैशबोर्ड को ओपन करना बिल्कुल भी ईजी टास्क नहीं है क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ें इसकी रिबिट पे हैं। स्क्रूज बहुत ही कम यूज़ हुए हैं, वो भी मैं क्लिप इसके अंदर ऐड कर देती हूँ ताकि आपको भी पता चल सके। तो वो यहाँ पे आप डैशबोर्ड का लुक इस तरीके से आप देख सकते हो। फिनिशिंग वर्क देख सकते हो कि किस तरीके से आया हुआ है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट गाइज। इस बार जो हम लोगों ने इस कार के अंदर जितना भी पियानो ब्लैक का वर्क किया हुआ है ना, वो आपको स्पार्कल पियानो ब्लैक देखने को मिलने वाला है। यहाँ आप देख सकते हैं इसके गियर कंसोल पे स्पार्कल पियानो ब्लैक। अब आई डोंट नो कि कैमरा इसको जस्टिफाई कर पा रहा है या नहीं, बट यस जितना जस्टिफाई कर पा रहा है प्लीज़ आप देखने की कोशिश कीजिए कि जो स्पार्कल इफेक्ट हम लोगों ने इस बार इसके अंदर दिया है वो बहुत ही डिफरेंट आपको देखने को मिलने वाला है। वो यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी इसके पिलर्स थे ए बी सी डी, सारे पिलर्स हम लोगों ने लेदर सॉफ्ट कोटिंग करके दिए हैं अपने मैंगो कलर के अंदर, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। मतलब ये कलर ना मतलब इतना रिच लग रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और यस बहुत सारे कस्टमर शायद इसके इंटीरियर्स को कंपेयर किसी और कार से करेंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहती, तो गाइस वो आपका काम है कि इस जो कलर कॉम्बिनेशन हमने इसके अंदर लिया है वो ऐसा कलर कॉम्बिनेशन किस एसयूवी में आता है अपने कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे जो साइड वाला पैनल है यहाँ पे भी हम लोगों ने लेदर सॉफ्ट कोटिंग करके दिया है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद आप इसका स्टेयरिंग देख सकते हैं, स्टेयरिंग हम लोगों ने डुअल टोन में रेडी करके दिया है अपना मैंगो कलर प्लस ब्लैक कलर के अंदर, तो वो आप इसकी फिनिशिंग भी देख सकते हैं। सो गाइज एक डैशबोर्ड का लुक आप यहाँ से भी देख सकते हैं किस तरीके की फिनिशिंग आ रखी है। गाइज मैं आपको बताने वाली हूँ, वर्क हर कोई करता है बट इट मैटर्स कि क्या क्वालिटी प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड की जा रही है, कैसी फिनिशिंग आपको प्रोवाइड की जा रही है, वो बहुत मेन चीज़ है। तो गाइज मैं आपको बता रही हूँ उसका डैशबोर्ड खोलना ओपन करना बहुत ईजी नहीं था, हम लोगों को भी काफ़ी टाइम लगा सारी चीज़ें समझने के लिए। उसके बाद ही इसके ऊपर हम लोगों ने वर्क किया है, फिर आप इसकी फिनिशिंग वर्क भी आप कंप्लीट तरीके से चेक कर सकते हैं। आप चलते हैं नेक्स्ट इसके डोर्स की तरफ। गाइस डोर्स पे देखिए यहाँ पे आपको प्लास्टिक मिलता है, कोई सॉफ्ट टच नहीं मिलता है। सबसे पहले तो हमने कुशनिंग ऐड कर दी है वो आप देख सकते हैं, लेदर अपहोल्स्ट्री इंस्टॉल करके दी है विद कस्टमाइज थ्रेड वर्क के साथ। रेस्ट पार्ट जितना भी है हम लोगों ने यहाँ पे लेदर सॉफ्ट कोटिंग करके दिया है इंटीरियर्स को मैच करने के लिए। पावर विंडोज आप इसके देख सकते हैं, पावर विंडोज पे हम लोगों ने स्पार्कल पियानो फिनिश का लुक दिया है, तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। यस कुछ चीज़ें हम लोगों ने इसकी ओई टाइप ही रखी है कि इसकी ओरिजिनलिटी भी मेनटेन हो सके। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसके आर सी लीवर पे हम लोगों ने सिल्वर फिनिश दिया है जो कि हमारे स्टीरियो पैनल से मैचिंग है। हैंडल्स पे आप देख सकते हो, हैंडल्स पे भी हम लोगों ने अपना सिल्वर फिनिश का लुक दिया है। तो गाइज अब चलते हैं नेक्स्ट इसके मेन चीज़ पे, वो है इसकी सीट्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या इसकी सीट्स कंफर्टेबल है। यस स्कॉर्पियो क्लासिक में और स्कॉर्पियो एन में बहुत बड़ा फ़र्क है कि सीट्स स्कॉर्पियो एन की काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसकी सीट्स को और ज़्यादा कम्फर्टेबल बनाने के लिए हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें की हैं सीट्स में। सबसे पहले एक्स्ट्रा कुशनिंग हमने इसके अंदर ऐड की है, वो आप देख सकते हो। बेस्ट 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 पार्ट इन सीट्स का क्या है कि इसके अंदर हम लोगों ने प्योर जेन्युइन लेदर इसके अंदर यूज़ किया हुआ है। जेन्युइन लेदर में जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाएगी, जो भी आप कलर कॉम्बिनेशन चूज़ करना चाहते हो या जो भी वैरायटी आप चूज़ करना चाहते हो सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको कार्स टैलेंट पे मिल जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं इसकी डिज़ाइनिंग में। डिज़ाइनिंग इस बार आपको बहुत डिफरेंट देखने को मिलने वाली है। सेंटर पे यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोगों ने एक फोल्डिंग लाइन दी हुई है, वो आप देख सकते हो। इस बार आपको इसके अंदर बहुत डिफरेंट स्टाइल की परफोरेशन भी देखने को मिलने वाली है जो कि इसकी
सीट्स की लुक को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रही है, तो वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। डुअल टोन में हम लोगों ने सीट्स को रेडी करके दिया है, क्योंकि हमारा जो इंटीरियर्स है वो भी डुअल टोन है। यस, हमारे पास ऑप्शन था कि हम सिंगल टोन भी यूज़ कर सकते थे, बट हाँ, तो फिर हम लोगों ने सोचा नहीं, जब इंटीरियर्स डुअल टोन है तो उसके हिसाब से डुअल टोन सीट्स ज़्यादा प्यारी लगेंगी, तो हम लोगों ने उस तरीके से रेडी करके दिया है। विद मैचिंग थ्रेडवर्क आपको इसके अंदर देखने को मिलने वाला है। हल्का सा लाइट कलर है, आप देख सकते हो, एक्स्ट्रा कुशनिंग आप देख सकते हो, जितना भी थ्रेडवर्क यूज़ किया हुआ है उसकी फिटिंग फिनिशिंग, मतलब सीट्स में आपको एक भी रिंकल भी देखने को नहीं मिलेगा, जो कि आपको जनरली मार्केट में बिकने वाले लूज कवर्स एंड बकेट कवर्स में मिलता है। सो गाइज, फिर भी अगर आपको कुछ डाउट्स हैं, कुछ भी क्वेरी है, तो गाइज आप हमें कॉल करके परेशान कर सकते हो अपनी क्वेरीज को पूछने के लिए। जो नंबर रहेगा वो रहेगा 7271939393। और अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो आप प्रैक्टिकली आके भी देख सकते हो कि हाँ, हम लोग सीट्स हमारी क्यों मार्केट से डिफरेंट है, या हमारी सीट की फिटिंग इतनी ओई जैसी क्यों आती है जैसे आपके स्टॉक सीट्स है, तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। हेडड्रेस भी आप इसका देख सकते हो, जिसको हम लोगों ने डुअल टोन में रेडी करके दिया है, ब्लैक विद मैंगो कलर, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। नीचे की तरफ अगर मैं बात करूँ तो यस, हम लोगों ने सारी ओरिजिनल चीज़ें लगाई हैं, तभी सीट्स की फिटिंग बिल्कुल ओई आपको देखने को मिलने वाली है। अब बात करते हैं इसके आर्म्स के बारे में। यस, Z4 में यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक मिलता है। सबसे पहले बताना चाहूँगी, इसके अंदर हम लोगों ने एक्स्ट्रा कुशनिंग ऐड कर दी है, कंप्लीट मैंगो कलर में रेडी किया है विद लाइट बेज कलर के थ्रेडवर्क के साथ, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। जिसके मिडल रो का भी कंफर्ट चेक कर लेते हैं, तो गाइस बात करूँ उसके कंफर्ट की, तो यस, मिडल रो में भी आपको कंप्लीट तरीके का फ्रंट सीट जैसा ही कंफर्ट मिलने वाला है। फ्रंट सीट का बैक आप कंप्लीट चेक कर सकते हो, कंप्लीट तरीके से हम लोगों ने ब्लैक रखा हुआ है विद OEM फिटिंग के साथ, वो आप यहाँ देखिए। सेंटर वाली सीट्स में भी आपको कोई रिंकल देखने को नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे आर्मरेस्ट की फिनिशिंग भी देख सकते हैं, किस तरीके की फिनिशिंग करके दी है, मतलब लेदर इंस्टॉल होने के बाद भी आपको नहीं लगने वाला है कि जितना भी वर्क हम लोगों ने इस कार के अंदर किया, आपको ऐसा ही लगेगा कि स्टॉक इंटीरियर ही इस कंपनी का इस तरीके से आया था। तो गाइस, आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन से अपनी कार को एक न्यू लुक दे सकते हो। अगर किसी को डार्क कलर पसंद नहीं है तो वो लाइट कलर चूज कर सकते हैं, या किसी को लाइट कलर पसंद नहीं है तो आप लोग डार्क कलर भी यूज कर सकते हो, चूज कर सकते हो अपनी चॉइस से। गाइस, वैसे तो मैं आपको बहुत सारी वीडियोस में दिखा चुकी हूँ कि जो हम लोग ओरिजिनल कारपेट बेडिंग यूज़ करते हैं वो कैसा होता है, बट स्टिल मैं इसका भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ आप देख सकते हो, जो आपके ओरिजिनल में पीछे की तरफ कारपेट लगा हुआ आया था, वही हम लोगों ने इसके अंदर इंस्टॉल करके दिया, जिसमें आपको कुछ यहाँ पे स्टिकर्स भी देखने को मिलने वाला है, ये भी आपके कंप्लीट ओरिजिनल ही है। फिटिंग फिनिशिंग मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, बिल्कुल ओई स्टॉक जैसे ही आपको इसके अंदर देखने को मिलने वाली। सो गाइज, जितना भी वर्क था इसका, चाहे वो एक्सटीरियर हो इंटीरियर हो, मैं आपके लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। उसी के साथ वर्क पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको वर्क कैसा लगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। नंबर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, आपको कोई भी क्वेरी हो किसी भी कार से रिलेटेड, किसी भी एसेसरी से रिलेटेड, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे आप हमारे एड्रेसेस ले सकते हैं, चाहे आपको किसी भी लोकेशन पे विजिट करना हो। सो गाइज, मैं हूँ इस कार की वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कि आप लोगों को कैसी लगेगी, ये कलर कॉम्बिनेशन कैसा लगेगा, और प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। सो गाइज, फिर से मिलते हैं एक नई कार के साथ, एक नए कलर कॉम्बिनेशन के साथ, एक न्यू डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड, एंड बाय बाय।